संगवारी हो, स्वागत है आप मन ला आप मन के अपन यूट्यूब के चैनल रीना देवांगन माता संगवारी हो। सबसे पहली और बड़े मला प्रणाम है, छोटे भाई विनी मला बहुत सारा प्यार। तो आज आप मन के लिए फाइनली फिर से एक नया कलेक्शन लेके आ चुके हैं, वो है कंगन कलेक्शन। तो चलो फिर आप मन हमारे वीडियो में बने रहो और वीडियो के स्टार्ट कर देना, वीडियो के मजा ले। तो सबसे पहली मैं अपन कंगन दिखाना चाहती हूँ जो ला मोर पति देहा मोला गिफ्ट करे रही इसे करवा चौथ में। तो मैं झिल्ली में बांध के रख दे रही हूँ, बाकी डिब्बा में रख दे तो फिर जगह ज्यादा फैल थी तो का कारण मैं ना ऐसी पॉलिथीन में लपेट के रख दे ताकि धूल मत पड़े करके। तो झिल्ली कर देता हूँ साइड। तो ये देखो ये हरे मोर चूड़ा जेला मोर पति देहा करवा चौथ में गिफ्ट करे रही इसे, है ना। और इला कोई भी साड़ी मन में पहन सकता है काबर की यह है चूड़ा हरे, है ना। एमा कोई हमारा साड़ी के मैच करे जरूरत नहीं रहे कि लाल चूड़ी हरे तो हमारा लाल साड़ी पहनना है। तो ये देखो ये चूड़ी अभी बहुत ही ज्यादा चलत भी है और बहुत ही ट्रेंडिंग में भी है। और मैं मात्र सोचे बस रहे हूँ कि ये वाली चूड़ी मोर चाहिए इसे करके, पर पति देव हम ला के गिफ्ट कर दे रही इसे। तो ये कंगन कैसे लगा थे मोर पति देव के पसंद के तेलक कमेंट करके बताओ, ठीक है। तो ये अभी रखे थे साइड में। ओकर बाद दिखा दो मोर रेड कलर के ही कंगन हरे एला। तो ये वाले जो कंगन है ना एला मोर भाभी जो है वो गिफ्ट करे रही इसे मोर बर्थडे में। तो ये डिब्बा में पैक करके फूलत भी नहीं है। ये देखो ये एक साथ लटकन दे ये वाले चूड़ी में और ये कांच के कंगन हरे संवारी हो। ये देखो मैट कलर वाले रेड हरे और कांच हरे पूरा और ये एक साथ लटकन रही बनाए के लिए, मतलब कि हिला इसे बंधा रही इसे यहाँ पे तेल में निकाल रही हूँ कार की। अगर शादी वादी में जाता था ना कुछ, मतलब कि अगर चूड़ा पहना था शादी वादा तब एले लगते ना तब ज्यादा अच्छे लगते, अगर कहीं ऐसी जाता नॉर्मल में तो ये सब चीज लगे रहते ना तो अच्छा नहीं लगे, है ना। तो देख लो एक डिजाइन बारीकी से आप मना गोल्डन कलर के सब स्टोन मन जड़े हुए है, ठीक है। तो ये दोनों को तो नहीं खोला थू मैं, हाँ सिर्फ एक तो बसला खोल के आप मतलब दिखा दू ताकि दोनों की जो जोड़ी है वो सेम रखे, है ना, दोनों हाथ के हाँ का कारण सिर्फ एक ही झोल दिखा दू आप मतलब। तो ये हरे रेड वाले ये चार पीस है, मतलब कि एक हाथ के हरे हा और मैं हाँ दोनों हाथ पर ले ले रही हूँ अपन, मतलब कि आजू बाजू वेला मैं सेट करूं करके। तो ये चार पीस है, है ना, ये रे दोनों सेम है। और चाहो तो आप मन ना इसे सिंगल भी पहन सकते ना मन, ये देखो ऐसे करके, और चाहो तो इला दोनों तरफ ऐसे सेट करके भी पहन सकते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं अगर दोनों साइड भी पहन भी तब हो और एक साइड पहन भी तब हो। तो ये तरफ ना उभार कम है, ये देखो कंगन के और एक तरफ ज्यादा देही है ना, और रेड कलर के है और गोल्डन में मिक्सिंग है और एमा लगे है वेलवेट इन पेंट वाले नोहरे, है ना, और प्लास्टिक के चूड़ी हरे है, मतलब कि प्लास्टिक के कंगन। तो इला चार पीस ले ले रहे हो ताकि अपन शादी वादी मन में जाऊँ। तो अक्सर करके शादी मन में जावे ना तो थोड़ा भड़े हुए रहते हैं हाथ में ना तो ज्यादा सुंदर लगते हैं ना, मतलब दुल्हन टाइप लगना चाहिए थोड़ा हाथ तब ज्यादा बेटर लगते, ओकर कारण चार पीस ले ले रहे हैं इला। ओके मत अब दिखाता हूँ मोर ब्लैक कलर के कंगन है, ये ज्यादा यूज नहीं हो ये वाले कंगन हम और काबर की जो ब्लैक साड़ी रहते हैं ना वो बस यूज अधिकतर हम कंगन का है ना थोड़ा मैचिंग टाइप से ले लेते हैं तो जी साड़ी है सिर्फ वही में ही मैच करके हो जाते हैं, पर गोल्डन या फिर लाल लेवे ना तो सब साड़ी में अधिकतर मैच आ जाते हैं। तो ये जो ब्लैक कलर के कंगन है ये कांच के हरे, ये देखो कांच में ही है और ये पूरे स्टोन से जड़े हैं, ये देखो। और एक साइड में भी नग लगे है एकदम बारीकी से नग लगे है, उसके बाद चैन लगे है, है ना। तो ये सिर्फ मोर ब्लैक साड़ी बस में यूज होते हैं, उसके बाद अदर मोर कोई भी साड़ी मन में यूज नहीं हो ये वाले कंगन, सिर्फ एक ही साड़ी के बस होके रह जाते कोनो काम नहीं आता हाने। कौन सा कंगन मन अच्छा लगी ना तेला आप मना कमेंट में बताओ, ठीक है। मैं लाइन से आप मन दिखा जाता हूँ। और ये है व्हाइट कलर के, ये मुझे सबसे बेहतरीन लगते है काबर की ये व्हाइट कलर के भी है और बहुत ही ज्यादा चमकते ये वाले मोर कंगन है। देखो मात्र दो पीस है और प्लास्टिक के है। तो ये वाले चूड़ी ना अधिकतर हमारे वेलवेट वाले जो चूड़ी पहनते हैं ना ओमा ज्यादा बहुत सुंदर लगते हैं, और अभी जो वेलवेट वाले जो चूड़ी पहने रहे हो कत्था कलर वाले साड़ी ना अभी जो पिछला रील्स मन में आप देखे हो तो वहाँ बहुत ही ज्यादा कमेंट आई इसकी, तो चूड़ी है बहुत ही ज्यादा सुंदर लगे थे काबर की ये वाले कंगन के कारण ही ना अधिकतर लुक मारी से, है ना। तो इला लास्ट में दिखाऊं अपन सेट करे के बाद में कैसे दिखती है वाले चूड़ी, ठीक है। इला भी रख देता हूँ।
तो अब मैं हाँ नेक्स्ट चूड़ी ले दिखात हूँ अपन, ठीक है, जो मोला बहुत ही ज्यादा पसंद है और सब में मैच आ जाते हैं। ये देखो, ये ला बोलते हैं पंजाबी चूड़ी, अधिकतर जन तो जानते हो, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, है ना, पंजाबी चूड़ी हरे और ये पूरा प्लास्टिक रहते, एक कठो कांच नहीं रहे, पूरा पंजाबी रहते, मतलब पूरा प्लास्टिक रहते। और जैसे कि हम सूट हो, चाहे जीन्स हो या फिर साड़ी हो, घाघरा हो, कुछ में भी हो, अगर एला हमारे पहले बोले तो कोई भी हमारे चूड़ी के मतलब सेट करे जरूरत यह है कि हम नीला पहने घाघरा या फिर नीला पहने सूट, तो हम ना मैच वाले पहने करके एला पहन ले बोला तो सब साड़ी में सब सूट में पूरा मैच आ जाते, काबर की यह रेड कलर के है और दिखते भी बहुत सुंदर। पहने के बाद ना अगर एक आठ थो मोर साड़ी मन में एक फोटो हो ही ना पहने हुए हाथ में, तो मैं डाल दू साइड में, ठीक है। तो कैसे लगा थे मैं पंजाबी चूड़ा है तेला बताऊ, ओके बाद चलो फिर नेक्स्ट चूड़ी दिखाता हूँ अपन। तो एला नॉर्मल से ले रही हूँ ये वाले कंगल मात्र सेट करे के लिए, काबर की थोड़ा रेड रेड वाले चूड़ी में रहते ना तो मन में अच्छा लगते। ये सिंगल सिंगल वाले पीस अरे ये इला अधिकतर जन के पास हो ही भी है ना, ये देखो बहुत सुंदर लगते है। अगर खास करना ये वाले चूड़ी लेना, प्लेन चूड़ी में सेट कर भी तो बहुत अच्छे लगते है, और ये है मेटल के है ना। तो सोमवारी हो गर्मी है बहुत ज्यादा है, ताकि मैं पंखा बंद करके मैं शूटिंग कर रहा था, और सोमवारी मैंने बोलते कि पंखा चालू करके शूटिंग कर लेकर दीदी पसनावत रखा इसे करके बोलते है ना, पर क्या कर आवाज है आप मन के पास चली जाइए, वॉइस से चली जाइए तो फिर अच्छा नहीं आया वीडियो देखे, मजा नहीं आया, ओकर कारण हमारा पंखा ला बंद करके करे बार पड़ते। तो नेक्स्ट जो कंगन है ना मैं पूरा अपन बॉक्स में चूड़ी बॉक्स में सेट करके रख डले हूँ। तो ये वाले चूड़ी बॉक्स है ना एला मोर शादी माँ कोई गिफ्ट करे रही से, मोले नाम तो पता नहीं है अभी, तो कोई गिफ्ट करे रही से, तो अच्छा यूजफुल सामान दे रही सबसे पहले तो लड़की मन के लिए, काबर की एला खास कर हमारे लड़की मन कहीं भी जाता तो इतना सारा हमन चूड़ी पकड़ के जाता ना, काबर की पूरा मैच के हिसाब से अपन चूड़ी मान ला है ना साड़ी मन के, तो करीब से बहुत सारा कंगन हो जाते। तो ये बहुत अच्छा यूजफुल सामान दे रही इसे, तो ये देखो पूरा ऐसे में हाँ जमा के रख दे हूँ, पूरा ऐसे जमा के रख देता हूँ, कहीं भी आना जाना होते ना तो ऐसे ही ले जाता हूँ ये बॉक्स लमे यहाँ। ओकर बाद अब नेक्स्ट कंगन दिखाता हूँ मैं यहाँ अपन, जो है मेहरून कलर के है, देखो एक पाइप के सहायता से आप माला दिखा देता हूँ मैं यहाँ। तो ये वाले जो कंगन है ना चार कंगन है, और ये कंगन ला मैं यहाँ अपन शादी के समय खरीदे रही हूँ, उसका बाद ज्यादा यूज नहीं हुए, काबर की उस समय मोला इतना इतना दूरिया तक पहना रही तो थोड़ा बड़े साइज के चाहिए रही से, तो बड़े साइज के लेट तो लड़ रही हूँ, पर मन में लगते छोटे साइज के तो अब ज्यादा यूज नहीं होते, पर बहुत ही ज्यादा सुंदर है देखो। और एक अंदर में ना कांच लगे है, एक टूपीस दिखा रहा हूँ मतलब, ये देखो पूरा मोती और कांच से जड़े है और कंगन है, और अंदर में ना कांच भी लगे है, ले चाहो तो आप मन है जैसे कि हाँ मन है मतलब कि मैं हाँ इला सिंगल भी ऐसी पहन सकथन, और मेटल मेटल लगा दी ऊपर से ताकि कांच हा मत दिखे करके है ना। तो ये चार पीस है, एक एक पीस भी पहन सकथन अगर पहनना है तो, और आइड साइड भी लगा के हमें चूड़ी करके इला भी पहन सकथन है ना, तेल भी रख देता हूँ। उसके बाद ये वाले जो कंगन है इला अपन शादी के समय ही खरीद रहे हैं वेला भी, काबर की दुल्हन चूड़ी जब पहनवे ना तो बहुत सारा हमारे चूड़ी की आवश्यकता होते, तो ये वाले कंगन भी ले रहे हूँ। तो ये दो पीस है वे इला बीच में ही सेट करती हूँ मैं अधिकतर टाइप में है ना, और गोल गोल ही फैंसी टाइप में है, एक डिजाइन है बीच में स्टोन है और मेटल के है ये वाले कंगन है। उसकर बाद ये वाला, तो ये वाले जो कंगन है ना एक आप मतलब बता देता हूँ, ये मैं मोर लटकन वाले रही से बहुत सारे मैं झूल लगे रही से, लगभग एक एक ठो चूड़ी मैंने मोर चार चार ठो लटकन में लगे रही से, पर कहा साड़ी मैंने फंस फंस के टूट गए देखो, एक ठो भी लटकते अच्छे, तो मैं सोचे हूँ कि घर पहने में काम दे रही करके, तो अभी पहनाए नहीं है घर में नहीं पहना है, तो बोला इसी रख दे रही हूँ ताकि लटकन वाला पर बहुत ही ज्यादा सुंदर एक थे, पर क्या कर कुछ साड़ी वाड़ी में पहने फंस जाते ना तो फिर पूरे बर्बाद हो जाते है ना। तो ये देखो सिंपल से दिखा थे अभी ये हाँ, ये में अभी पूरे स्टोन है और गोल्डन के है, ये देखो बहुत ही सुंदर लगते है अभी ये देखे में। और नेक्स्ट फिर दिखा था आप मल्ला ये वाले इला वेलवेट चूड़ी के साथ में तो बहुत अच्छा लगते, ये देखो ये भी गोल्डन एज के है, और ये वाले में ना तो बहुत सारा किस्म के आते, राधा कृष्ण के भी आते और कुछ कुछ भगवान बने भी रहते यहाँ पे, जैसे कि
ये वाला जहाँ पे मोर स्टोन लगे ना वहां पे राधा कृष्ण भी बने रहे थे और कुछ कुछ और फ्लावर भी बने थे, स्वास्तिक भी बने रहे थे, बहुत सारा चीज मन बने रहे थे। तो मोर में मात्र ऐसे स्टोन भर से और प्लास्टिक के हैं, ये देखो लेकिन पीछे प्लास्टिक के अगर डिजाइन है कुछ ऐसी है ना। तो ये वो लगे थो उसका बाद अब बची से मोर लास्ट पीस कंगन। तो ये हरे तो ये ला बोल थे मल्टी वाले कंगन हरे यहाँ जो सब साड़ी मैंने मैच आ सकते हैं, गोल्डन भी दे है, नीला है, हरा है और कौन सा है, हरा है, नीला, फीका नीला, ऐसे कुछ कलर दे है ना। तो ये वाले भी मोल अच्छा लगते कंगन है काबर के माँ स्टोन जो दे है ना वो हटके दे है। देखो ये वाले जो स्टोन है ना ये स्टोन नो हरे कुछ दूसरा टाइप से स्टोन हरे कुंदन टाइप से हरे शायद लगते है यहाँ ओकर कारण भी अच्छा लगते है। और एक जो प्लास्टिक है जो क्वालिटी है ना वो बहुत हटके है, बहुत अच्छे लगते है, नरम है यहाँ ओका कान अच्छा लगती है यहाँ। तो मैं कंगन वंगन अधिकतर तक के ना संगवारी हूँ, मैं कंगन वंगन बहुत ही कम पहनता हूँ मैं यहाँ और खासकर तो अगर मैं घर में रहूँ ना तब तो और बहुत ही कम पहनती हूँ, चूड़ी से ही अपन काम बना लेता हूँ बोल भाई अच्छा लगता है चूड़ी है ना। तो सबको कंगन मल्ला आप मल्ला में यहाँ दिखा ले हूँ और कौन सा कंगन है आप मल्ला सबसे ज्यादा अच्छी लगी सबसे ज्यादा ओला कमेंट करके बताऊँ ठीक है। और आप मल्ला में यहाँ जो व्हाइट कलर के जो कंगन रही से सेट करके दिखाऊं करके बोले है ना लास्ट में दिखाऊं करके तो चलो आप मतलब मैं सेट करके दिखाता हूँ। तो ये हरे मोर वेलवेट वाले चूड़ी जो है मेहरून कलर के हैं और ये रहे व्हाइट वाले कंगन है ना। तो इला दोनों लग सेट करके दिखाता हूँ कि कैसे लगते ये वाले कंगन में। तो इला कुछ नहीं इला अभी सिंपल वाला दिखाता हूँ आप मतलब ठीक है। ये देखो अला एला ना अगर एला ऐसी भी पहनू तब वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लगते काकी इतनी मस्त अपन प्लेन चूड़ी हो जाते हैं और ये तरफ प्लास्टिक के कंगन। तो ये जो वेलवेट वाली जो चूड़ी है ना संगवारी हो ये हरे मेटल के चूड़ी हरे पर ये मार मोर पहनना होते ना तो मैं यही कलर के मैं यहाँ कांच के चूड़ी डाल देता हूँ काकी सुहागन औरत मन ना कभी भी प्लास्टिक के चूड़ी या फिर मेटल वाले चूड़ी ये नहीं पहनना चाहिए। पहनना चाहिए अगर हमला शौक है तब पर एक ठो ज्यादा नहीं था एक ठो पीस ना हमला कंगन कांच की चूड़ी डाल लेना चाहिए। तो मैं बहुत ही ज्यादा पूरा पसना आ जाता है एकदम से गर्मी के कारण ताकि गर्मी है और बहुत ही ज्यादा तापमान अभी बढ़ गया है ना ओकर कारण। तो ओकरे कारण कांच की चूड़ी डाल लेना चाहिए एक सुहागा नवरात ला है ना। और एक शांत ये ला दिखा लो अभी दूसरा तरीके से सेट करके दिखाता हूँ। तो ये ला ऐसे आधा करके ये ला ऐसे बीच में ये देखो। तो आप मतलब दो तरीका से दिखाऊं सेट करके तो आप मतलब कौन से सबसे ज्यादा बेटर लगी से ओला आप मन कमेंट करके बताओ ठीक है। तो संगवारी हो अतने कन्हे मोर कर कंगन कलेक्शन है और पति देव घर औ लेवा हूँ ना और आप मतलब कंगन कलेक्शन मोर देखे वर भी थी ठीक है। तो संगवारी हो आज के हमारे ब्लॉग वीडियो ला अतने धैर्य तक रखथान वीडियो मोर पसंद आ गई हुई तो वीडियो ला लाइक शेयर कमेंट और मोर चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दू। मोर नवा चैनल है रीना फैशन करके तो जे संगवारी मन अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हो ना वो मन जाके सब्सक्राइब कर दू काबर की आप मन उमर नवा नवा चीज सीखे बर मिली जाने बर मिली है ना। तो फिर से मिलबो हमारे एक नया ब्लॉग के साथ मां तब तक के लिए जय जोहार जय छत्तीसगढ़ बाय बाय।